जिदा के असल नाम सी राइन बिनते तैमूस और किताबा दे अंदर तफसीरन दे अंदर मशहूर नाम है जलीखा, जिन्हों आम रूटीन दे अंदर असी जुलेखा भी पढ़ दें लेकिन असल लफज की है जलीखा। ये अजीज़ मिस्र दी, मिस्र दे बादशाह दी बीवी और उदा असल नाम है राइल बिनते तैमूस। अजीज़ मिस्र ने जलीखा नु आख्या अक्रिमी मसवाहु आसा अन्फाना औ नत्ताखिज़हु वलादा कि अपने इस मेहमान नु अच्छे तरीके न रखना, हो सकता है अन्फाना कि आने वाला यूसुफ सानू कोई फायदा पहुंचा दे औ नत्ताखिज़हु वलादा या असी इन मुंह बोला बेटा बना लीए। पहली उम्मत अंदर भी मुंह बोले बेटे का रवाज आम से, अगर किसी की औलाद नहीं सी होंगी तो वह किसी नूं अपने घर रख के कहता सी कि यह भी मेरा बेटा है, यानी मुंह बोला बेटा। तो अजीज मिस्र ने अपनी बीवी जुलेखा नु आख्या कि इस यूसुफ नु ध्यान न रखी, इस यूसुफ का ख्याल करी, इनू कपड़े अच्छे दिते जान, इहदे आराम करन वाला बिस्तर भी आला होए और जिहड़ा इनू खाना पेश किया जाए वह भी अच्छा होए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि इस दुनिया ते तीन बंदियां ने अपनी जहनी फरासत तो बड़ा अच्छा काम लिया। उन्हां चों एक बंदा मिस्र दा बादशाह सी जिन्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी पेशानी अचानक नूं वेख के अंदाजा ला लिया कि आने वाला मेहमान आम नहीं को बड़ा खास है। ये उदी जहनी फरासत सी कि उन्हें अपनी बीवी ने आख्या कि इन्हों का ख्याल रखी, खाण पीन का, कपड़े कपड़े का, रिहायश का, हर किस्म का आला इंतजाम करना है, हो सकता है ये सानू नफा पहुँचा दे। अगे अल्लाह का कुरान फरमाता है वल्लाहु गालिबुन आला अमरी कि अल्लाह का अमर ही हमेशा गालिब आंदा है। वला किन्ना अक्सर नासी ला यालमून लेकिन अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं जानते। हज़रात ये बात समझने वाली इंसान अल्लाह की दीती हुई ताकत कुदरत और हिम्मत के मुताबिक जो कुछ भी कर ले अखीर नतीजा इंसान दे कोल नहीं, नतीजा खालिक दे कोल है। एक बच्चा है इम्तिहान दे अंदर बड़ी मेहनत करता है, सुबह भी पढ़ता है, शाम भी पढ़ता है, एक ट्यूशन पहले टाइम में, एक अकेडमी दूसरे टाइम में, घर सौन तो पहले फिर होमवर्क भी करता है, पेपर भी अच्छे दे के आए। इहदा मतलब ये नहीं कि उहदे माइंड के मुताबिक वो नंबर आ जाए, नतीजा रब दे कोल है। कुरान कहता है वल्लाहु गालिबुन आला अमरी अल्लाह दा अमर और हुक्म हर चीज से गालिब है। मैं मिसाल देना हजरत यूसुफ दे वाके चो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और आप दे वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम इन्हें चाहिया कि हज़रत यूसुफ का ख्वाब इन्ह के भाइयों ना दसिया जाए लेकिन अल्लाह का अमर गालिब आया और भाइयों उस ख्वाब का इलम हो गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मारना चाहिया लेकिन अल्लाह का अमर गालिब आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम बच गए। ऐसे ही है ना, आप दे भाइयों ने एक बेड़िए दे जिस्म ते खून लगा के अपने बाप की बारगाह च पेश किया
और अपने अब्बा जी नूं धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन हजरत यकूब ने धोखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाइयों ने सारा काम किया महज इस वास्ते कि असी अपने वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दे दिल के अंदर यूसुफ का प्यार कढ़ दईए और अपनी मुहब्बत पा दईए। लेकिन अल्लाह का अमर गालिब आया, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दे दिल के अंदर अपने इन दसां बेटियां दी मुहब्बत नहीं बल्कि मजीद बेजारी पैदा हो गई। तो जरा थे जीवाकार एक गल करन दा और गल सुनान दा मकसद ये वे कि हमेशा अल्लाह दा अमर ही गालिब है हर चीज़ दे उते। एक शेर दे अंदर गल समझा दें, जेड़े जाग रहे हो जरा उच्ची सरी कह दियो सुभान अल्लाह। वो किसी बंदे ने आख्या सी कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता है बस वही जो मंजूर खुदा होता है। तो दोस्तों ने मन हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की नाम चो विके काफले दे अगे काफला मिस्र पहुंचया, मिस्र दे अंदर आके आप के ते बादशाह मिस्र दे घर दे अंदर पहुंच गए। अजीज मिस्र दी बीवी जिदा नाम मशहूर जलीखा है, जो उन्हें हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु वेख्या पहली नज़र दे अंदर ही अपना दिल यूसुफ नु दे बैठी। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दे उसनु जमाल दे कुर्बान हो गई। आप दे अल्लाह ने आपने हुस्न नु भी कमाल दा अता फरमाया कि आप दियां कालियां और कुंडले वाल मुबारक, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दा सुरख ते सफेद चेहरा मुबारक, और आप दे चेहरे मुबारक और पेशानी ते चमकदा होया नबूवत दा नूर भी नजर आंदा है पिया, और आप दी सुरमगी अखां हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नूं जदों जलीखा ने वेख्या ते कुर्बान हो गई। ते शायर ने जलीखा दी हालत बयान की थी, हौली हौली कह दियो सुभान अल्लाह। अजीजा ने गिरामी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नूं जदों जलीखा ने पहली नजर दे अंदर वेख्या ते वेख के अपना दिल दे बैठी, जनाबे यूसुफ अलैहि सलाम दे हुस्न जमाल दे तज़करे हुस्न जमाल दे जलवे बर्दाश्त ना कर सकी, और शायर बोल के आंदा है लग गई चोट, लग गई चोट ओए मोहब्बत वाली, ते इश्क नशे विच आया तन कि केड़ा वेला आवे केड़ा लम्मा आवे ते केड़ी घड़ी आवे, एक कमरा होवे दरवाजा बंद होवे अखा मेरिया होवन ते चेहरा यूसुफ दा होवे। मैं रिवायत दे अंदर और किताब दे अंदर पढ़िया है जलीखा ने एक ऐसा महल तैयार करवाया जिदे सत कमरे सन, किन्ने कमरे सन, सत कमरे सन, और ये इस तरह नहीं भी एक कमरा फिर नाल दूसरा कमरा फिर नाल तीसरा कमरा तरतीब सिर नहीं, जेड़ा पहला कमरा सी वो बहुत बड़ा सी, वो दे अंदर उन्हें एक और कमरा बनवाया, वो दूसरा कमरा सी, उस दूसरे कमरे दे अंदर फिर एक और कमरा बनवाया वो तीसरा सी, फिर तीसरे दे अंदर चौथा, चौथे दे अंदर पंजवा, पंजवें दे अंदर छेवां, ते छेवें दे विच सत कमरे बनवाए जलीखा ने। ते फिर हर कमरे दे अंदर उन्हें आला किस्म दा काम करवाया, दीवारां ते औरतां दियां उरियां तस्वीरां लगवाइयां, जमीन ते फर्श ते आला किस्म दा कालीन बिछवाया, और हर कमरे के अंदर सोने और चांदी के बर्तन रखवाए, हर जगह आला तो आला काम करवा के जो माल तैयार होया तो हजरत यूसुफ को आ गई। आके अर्ज कर दी प्यारे यूसुफ मैं एक महल बनवाया थोड़े वास्ते, जे मेहरबानी फरमाओ तो अज आके वह इफ्तिताह नहीं कर देंगे। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम तैयार हो गए, आपने फरमाया ठीक है। जलीखा और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दोवें चले,
चलते चलते जदों पहले कमरे के अंदर आए ना तो ज़लीखा आखन लगी, प्यारे यूसुफ है छत वेखो कितनी प्यारी है, यह दीवारा वेखो कितनियां प्यारियां ने, कालीन वेखो कितने आला ने। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी जदों तवज्जो उस पासे हुई ना, उन्हें उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिता, ताला लगाया, दूसरे कमरे के अंदर चली गई। हज़रत जीवाकार दूसरे कमरे के अंदर चली गई। जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दीवारा वेंदे ने, छत्ता वेंदे ने, कदी कुर्सियां ते कालीन वेंदे ने, ज़लीखा ने दूसरे कमरे नु भी ताला लगाया, तीसरे कमरे के अंदर चले गए, चौथे के अंदर चले गए, फिर पंजवें छेवें ते सतवें कमरे के अंदर चले गए। ज़लीखा वारो वारी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु अंदर लैके जाई जाती है, और जदों सतवें कमरे के अंदर पहुँच गए, रिवायात के अंदर आते उन्हें सत्ता कमरिया ताले लगा दिते, हर कमरे न ताला लैदा है, हर ताले की चाबियां लैदा है, और इन्हों सत्ता कमरिया दाबियां ज़लीखा दे कोल ने। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों सतवें कमरे के अंदर आ गए, उस सतवें कमरे के अंदर ज़लीखा ने एक आली शान बिस्तर बिछाया, जिदे उत्ते तना हजारा दी मन दे अंदर उन्हें फुल निछावर कीते ने, अपना ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा बिस्तर लगाया, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल बुराई दा इरादा कीता। उस कमरे दे अंदर तफसील दे अंदर आंदा है, ज़लीखा दा एक बहुत बड़ा बुत है जिदी ज़लीखा पूजा कर दी है। जनाबे ज़लीखा ने जदों यूसुफ दे नाल बुराई दा इरादा कीता, उन्हें एक बहुत बड़ी चादर लैके अपने उस बुत दे उत्ते डाल के यूसुफ दे कोल आ गई। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, ज़लीखा है कीए, अर्ज कर दिए, प्यारे यूसुफ मेरा खुदा है, मैं तेरे नाल बुराई दा इरादा करना चाहनी हूँ, मैं तेरे नाल गुनाह करना चाहनी हूँ, मेरा नहीं दिल करदा, मेरा खुदा इस हालत के अंदर मैनू वेखे। नौजवान दरा तवज्जो करी, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दा ये जुमला अपने दिल के अंदर उतार लै, अपने मन के अंदर उतार लै, शायद तेनू भी जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दा फैज मिल जाए। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दारो कदार रोना शुरू किया, आप दियां अखां मुबारकां जो आंसू आ गए, ज़लीखा कदमां च आके आंदी है, ऐ प्यारे यूसुफ क्यों रोंदे हो, क्या मेरा माल तुहानूं पसंद नहीं आया, क्या आला कलीन तुहानूं पसंद नहीं आए, ये सब कुछ प्यारे यूसुफ ने तुहाडे वास्ते कीता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ज़लीखा ना नाओ, मैं तेरे माल दी वजह तो नहीं रोंदा, मैं तेरी शाहकारी दी वजह तो नहीं रोंदा, मैं रोना है सोवां पिया वा कि तेरा माबूद जेड़ा है झूठा है, अपनी अखां नाल वेख नहीं सकदा, अपनी कन्नां दे नाल सुन नहीं सकदा, अपनी जुबान दे नाल बोल नहीं सकदा। ऐ ज़लीखा, अगर अपने झूठे खुदा को इतना हया करनी है, मैं अपने सच्चे रब को क्यों ना हया करा, जेड़ा सारी कहनात नूं वेखण वाला है, जेरा सारी कैनात नू वेखन वाला है, मैं अपने उस रब कोलों क्यों ना आया करा, जेरा हर वेले मेरे सामने वे, मैं ओदे कोलों किसे लम्हे भी नहीं छुपिया। अदराते दिवाकार जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जदों ये गल कीती, ज़लीखा करीब आ गई, करीब आके जनाबे यूसुफ नू आंदी है, ऐ प्यारे यूसुफ वेखो ते सही, तुहाडियां अखां किड्डियां सोहणियां ने, तुहाडियां अखां किड्डियां सोहणियां ने। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने समझाउण वास्ते फरमाया, ज़लीखा मरण तो बाद सब तो पहले अखां खत्म हो जाणियां ने। अर्ज कर दिए, प्यारे यूसुफ तुहाडा चेहरा किन्ना सोहणा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते ने, ये मेरा कमाल नहीं, मेरे रब का कमाल है। अर्ज कर दी, प्यारे यूसुफ तुहाडे जुल्फां मुबारकां कितनियां आला ने। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम समझाउण वास्ते फरमांदे ने, ऐ ज़लीखा मरण तो बाद ये जुल्फां रे बार कबर दे अंदर बिखर जाणगे। जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हकीमाना गल्लां कीतियां ते ज़लीखा नूं समझ नहीं आई, करीब आके बैठ गई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे, ते अर्ज कर दिए, प्यारे यूसुफ छड्डो इन्हां गल्लां नूं, इन्हां सत्तां कमरियां दे अंदर तू अकेला है ते मैं भी अकेली हाँ। ऐ प्यारे यूसुफ, तेरे उसनों जमाल दी मिसाल दुनिया दे उत्ते कोई नहीं, इस वेले तू भी जवान है ते मैं भी।
जवाना आ जा करीम इस गुनाह दे अंदर मुलवस हो जाइए। दोस्तन ने मन अल्लाह दा कुरान बयान फरमांदा है, जलीखा ने ये सारी गल की थी, ये सारा मामला जदों कीता अल्लाह दा कुरान आंदा है, वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अरवा बुरहान रब्बी كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو زلیخا آپ دے قریب آ گئی آپ جلدی دے نال اٹھے اللہ دا قرآن آندا اے، زلیخا نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نو میں جناب یوسف علیہ السلام نو گناہ دے اندر ملوث کراں گی. لیکن دوستاں نے من پیارے بھائیو حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں ویکھیا اللہ دا قرآن آندا اے اب لقد عمد بھی زلیخا نے برائی دا پکا ارادہ کر لیا، انہیں زنا دی پکی ارادہ پکا ارادہ کر لیا، وَعَمَّ بھی آؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے اُدھے کلوں بچن دا ارادہ کیتا، زلیخا کلوں نسن دا ارادہ کیتا، لولا رہا برہان ربی فرمایا کریم سی یوسف علیہ السلام اُتھے آ جاندے، اساں یوسف علیہ السلام نو اپنی برہان دکھائی، اپنی ایک دلیل دکھائیے، اپنی قدرت دا ندارہ وکھایا. حضرات توجہ کریا جے، جناب یوسف علیہ السلام تنہا نے سامنے زلیخا کھڑیے اور دیواراں دے اُتے اُنیاں تے ننگیاں عورتاں دیاں تصویراں نے، زلیخا جناب یوسف نو اپنے آل مائل کر دیئے پئی. حضرت یوسف نے سامنے دیکھیا اچانک کمرے دی چھت پھٹ گئی، آپ دے والے جناب یعقوب آ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام دے والد جناب یعقوب علیہ السلام سامنے آ گئے. تفسیر دے اندر آندا ہے انہ تمثل یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام دی تمثیل سامنے آ گئی. جناب یوسف علیہ السلام دے والد نے اپنے مبارک دے اندر اپنی انگلیاں پائیاں اور اپنے بیٹے نو بول کے آندے نے اے پترا اج گناہ دے اندر ملوث ہون لگا ہے، حالانکہ اللہ نے تینوں نبیاں دے وچ شامل فرما لے آئے. اے یوسف ذرا خیال کریں، حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ کی تعالیٰ نے نقشہ کھچیا، آپ فرمان دینے نظر پئی نظر پئی یعقوب پیمبر تمو وچ انگلی پائی نال دعایاں منا کریں دا تے روندائے نال جدائی تے ہاتھ یوسف دے سینے رکھیا تے سونے باپ پیارے جد میری نو جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند سمارے. جناب یعقوب علیہ السلام سامنے آ گئے نے، اپنے منہ مبارک نے اندر انگلی پائی، حضرت یوسف نے اشارہ کر کے فرمایا یوسف ذرا خیال کریں اللہ نے تینوں نبیاں اندر شامل فرما لیا ہے، تو بھی نبی تیرا باپ بھی نبی ہے، تیرا دادا بھی نبی ہے، تیرا بردادا بھی نبی ہے. آپ نے یوسف علیہ السلام دے سینے تے ہاتھ ماریا، میں روایت دے اندر پڑھیا ہے ہاتھ مارن دی دیر جناب یوسف علیہ السلام دا دل مضبوط ہو گیا. آپ نے جدوں سامنے دیوار تے ویکھیا تے قرآن دی آیت اچھی تے کہہ دیو، سامنے دیوار تے ویکھیا تے کی سی قرآن دی آیت، جے سجی دیوار تے ویکھیا تے قرآن دی آیت، جے کھبے پاسے ویکھیا تے قرآن دی آیت، جے پیچھے ویکھیا تے قرآن دی آیت. توجہ ہے، اس تو پہلے انہاں دیواراں تے کی سی تصویراں سی، بغیر لباس ہوں عورتاں نہیں ہاں. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جدو آئے نا، آپ نے اپنے بیٹے دی مدد کی تھی، انج کہہ لو کہ حضرت یعقوب نے اور یوسف مرید ہے.
पीर ने मुरीद की मदद की थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कलमे मुबारक दे अंदर और ताकत आ गई और मजबूती आ गई। आपने जदों एक दीवार ते वेखिया ते कुरान दी आयत, अल्लाह ने फरमाया वाला तकरबु ज़िना इन्नहु काना फाहिशतौ व मक्ता व सा सबीला। अल्लाह फरमांदा है लोगो जिना दे करीब ना जाया जे, ये बड़ी गलत चीज है, बड़ा बुरा रस्ता है। जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम दे बेटे यूसुफ ने दूसरी दीवार वेख्या, अल्लाह दे कुरान दी आयत लिखी सी वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीन। अल्लाह फरमांदा है असा तुहाडे ते दो फरिश्ते मुकर्रर कीते ने, एक दा नां किराम ने दूसरे दा नां कातिबी ने। जदों तीसरी दीवार अल वेख्या, अल्लाह दे कुरान दी आयत लिखी सी वमा तकुनु फी शानिम, अल्लाह फरमांदा है मैं हर हाल दे अंदर अपने बंदे दे नाल आ। चौथी दीवार वेखी ते अल्लाह दे कुरान दी आयत लिखी है आफा मन हुआ कायम, अल्लाह फरमांदे मैं हर वेले बंदिया तेनू वेंदा पिया, मैं हर हालत दे अंदर हाजिर ते ना देना। जनाबे यूसुफ अलैहि सलाम ने कुरान दी आयतां पढ़िया, रब दी बुरहान वेखी, रब दी दलील वेखी, अपने बाप यूसुफ दा निदार, याकूब दा निदारा कीता, दोस्तां ने मंदरा तवज्जो करी। जनाबे यूसुफ अलैहि सलाम अपने बाप हजरत याकूब दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने, अब्बा जी हुण तक ते मैं भज गया पर सत्ते दरवाजे बंद ने, सारे दरवाजे नु ताले लगे ने, चाबियां यूसुफ दे कोल नहीं ज़लीखा दे कोल ने, अब्बा जी मैं करा ते की करा। जनाबे यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया बेटा इस कमरे दे विचों नसना तेरा कम है, इन्हां ताले नु खोल देना, तेरे ते मेरे रब दा कम है। प्यारे यूसुफ इतों नसना, बोलो तो सही, ऐ यूसुफ इतों नसना तेरा कम है, इन्हां दरवाजियां दे तालियां नू खोल देना, मेरे मौला दा कम है। इस वास्ते मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी आप फरमांदे ने जिस दरवाजे, मैं इहदे विच जिहड़ा पैगाम है ना हुणे तुहानूं देना, जिस दरवाजे आए पहुंचे यूसुफ ते तख्ते खुलदे जावण, छन छन करके कुफल तमामी जमीन ते डिगे दे जावे। हजरात अजीबा घर अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम एक दरवाजे वाल भजे ने, दरवाजे दा ताला टुटिया, दरवाजा खुल गया, दूसरा दरवाजा आया, दरवाजे दा ताला टुटिया, तीसरा दरवाजा आया, ताला टुटिया ते दरवाजा खुल गया, ताके सारे दरवाजियां दे ताले टुट गए। जनाबे यूसुफ अलैहि सलाम उस सत्ता कमरियां दे विचों अपनी इज्जत बचा के बाहिफाजत बाहर आ गए। होली जी कह लो सुभान अल्लाह कि उन्होंने यूसुफ अलैहि सलाम का फैज अता फरमा दिया, सत्ता दरवाजों के ताले भी टुटे, दरवाजे भी खुले, तो जनाबे यूसुफ अलैहि सलाम बाहर तशरीफ लेके आ गए। इससे पहले कि मैं तुम्हें अगली गल सुनाव इतने रुक के दसना चाहना, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का इन्ना ही काम सी ना ज़लीखा कोलों बच जाना, ये उन्होंने किया और मजबूत इरादे नाल किया। बज़ाहिर ये नहीं कि बंदा कोशिश करे जी मैं तो कोशिश की सी कि मैं हराम ना खावा, पर धक्के नाल आ गया मेरे वाल। जिवें एक अलामा साहब सन किसी घर खत्म पढ़न गए तो घर वाले ने दसिया जी बड़ी माजरत दे नाल ए जिहड़ा मुर्गा पकाया ने चोरी दा, जिहड़ा असीं मुर्गा पकाया ना खत्म वास्ते ये किहड़ा है चोरी दा, ते
उन्हें खत्म पड़िया दुआ मंगी। लम्मा साहब हूँ खाना खा के जो उन्हें कहीं ये मुर्गा चोरी दे मैं नहीं खाना। उन्हें कहा जी कोई गल नहीं मुर्गा ना खाओ शोरबा खा लो शोरबा पी लो। उन्हें कहा चलो इंज कर लो ये ठीक है असं मुर्गा नहीं खाते असं शोरबा पी लें। वो बंदा सामने हांडी लैके आया तो जो पान लगा ना सालन शोरबा आवे तो एक गोश्त का पीस मुड़ मुड़ के आई जाए बेच जो मुड़ मुड़ के आवे वो फिर पीछे करे जो मुड़ मुड़ के आवे ना तो लामा साहब आखन लगे भाई एडा भी चाह ना कर यह जी रुड़ रुड़ के आई जाती इनू फिर आन दो इनू फिर इंज ना हो बंदा आखे मैं तो कोशिश की थी पर मैं बच नहीं सकिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोशिश की थी लेकिन आप इंज की थी कि जेड़ा आप का काम सी वो आपने किया जेड़ा आप नहीं कर सकते सन यूसुफ दे रब ने करके विखा दिता। उलामा फरमाते ने बुजुर्गान दीन फरमाते ने प्यारे दोस्त अजीजा ने मन दुनिया के उत्ते रह के जदों ऐसा वेला तेरे उत्ते आ जाए फिर परेशान ना होवी। हजरत यूसुफ वल निगाह मारी हजरत यूसुफ वल निगाह मारी और निगाह मार के अपने दिल को मजबूत करके उस गुनाह तो नसना तेरा काम है उस गुनाह तो बचा लेना तेरे मौला का काम है। हजरत मौलाना हुसैन नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने रब का उसूल हर शोबे के अंदर है कि जो बंदे का काम है वह बंदा करे फिर करके नतीजा रब से सुटे फिर अगली गल रब जाने तो रब का रसूल जाने। फरमाए कि किसान दे कुवत और ताकत के अंदर की है खेत के अंदर हल चलाना किसान की कर सकता है हल चला के फिर वो अंदर बीज पाए हल चला के बीज पाए बीज पा के किसान की करे पानी लाए हूँ वो जी फसल पिछों तैयार होनी है ना उन्होंने जी हरारत मिलनी है सूरज को वह किसान दे सकता उस फसल के अंदर जोड़ा जायका बनना है वह चानी चानी बनना है ये किसान दे सकता है वो जोड़ा दाना है वो जो भोग अलहदा करना है हवा ने हवा किसान चला सकता है। तो बुजुर्गों ने दीन फरमा देने भाई तू हल चला बीज पा तो पानी दे फिर सूरज की रोशनी भी रब देगा फिर चन की चाननी भी रब देगा फिर हवा हुक्म भी रब देगा जेड़ा तेरे करने वाला काम है तू कर ले रब अपने काम करके तेनों तेरा रिजक अता फरमा देगा। तो दोस्तों ने मन अजीजो प्यारो यही पैगाम है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सुवाके दा कि आपने गुनाह तो बचन की कोशिश की थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे रब ने अपने यूसुफ नूं बचाया बचाया कि नहीं बचाया। अजीजो भाइयो ये सिर्फ वाकया सुन की हद तक नहीं होने चाहिए बल्कि असी कोशिश करिए कि अपने मन के अंदर इस गल नूं उतारीए। और जो इतने आए सो तो इस गल का इलम नहीं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कईयों ऐसी कईयों नहीं सी लेकिन हुण सुन चुके हो हुण जिंदगी के अंदर खुदा ना खासा कितने ऐसा मामला आ जाए कि बंद कमरा हो तू भी कला होवे तो दूसरा भी कला हो तीसरा तेरे और वो दरम्यान शैतान हो फिर उतों नस जाई तो ख्याल करी तेरा तो यूसुफ का रब एक ही है जेड़ा यूसुफ का रब है वो ही तेरा रब है तो जेड़ा रब यूसुफ नू बचाने कादिर हो तेन मैनू भी बचाने कादिर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप बाहर निकले तो सामने अजीज मिस्र ज़लीखा दा शोहर और खामन मिस्र दा बादशाह और एक रिवायत के अंदर आता है कि नाल उदा ज़लीखा दा चचा आद भाई सी जिहड़े दोवें ज़लीखा नूं मिलन वास्ते आ रहे सन जदों सामने वेखे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े आ रहे हैं और पीछे पीछे ज़लीखा है। इस तो पहले कि हजरत यूसुफ कोई गल कर दे ज़लीखा जल्दी दे नाल बोल के आंदी है ए अजीज़े मिस्र कालत मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सुअन इल्ला युसन व अज़ाबुन अलीम ए मेरे प्यारे खामद उस बंदे का की हाल है उस बंदे का इलाज और सजा की है जेड़ा तेरी बीवी दे नाल बुराई का इरादा करे। ज़लीखा ने फटाफट हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते इल्ज़ाम लगा दिता। इस तो पहले कि हजरत यूसुफ अपनी सफाई देन दे रब ने फरमाया यूसुफ तू ना बोली तुसी दे बोलो यूसुफ तू ना बोली। एक रिवायत के अंदर आता है कि वह जरा ज़लीखा का चचा जाद भाई से ना उन्हें गवाही दी और एक रिवायत आती है कि एक औरत जाती सी बई वो गोदी के नौ मलूद बच्चा सी दुध पींदा
रब ने फरमाया बच्चे आज मेरे नबी दी वारी ये तू बोल। रात जी वकार रिवायत दे अंदर आंदा है एक नौ जायदा बच्चा मां दी गोदी दे अंदर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दी जात दे उत्ते जदों ऐब लगा जदों आप दी जात दे उत्ते बहतान लगा रब्बुल आलमीन ने उस बच्चे नूं बोलन दी हिम्मत अता फरमाई उहदे अंदर बोलन दी ताकत अता फरमाई। हजरत कुरान दा बोलन वाला बोलिया ऐ लोगो इस तों पहले कि तुसीं यूसुफ दे ज़लेखा दे अंदर फैसला करो मैं तुहानूं दस देना वा इहदा हल की है इन कान कमीसो कुदमिन कुमोलिन फसदा कदवा हुआ मीनल काजिबीना व इन कान कमीसो कुदमिन दुबुरिन फकदबत हुआ हुआ मीन सादिकीन। हजरात बोलन वाला बोल के आंदा है ए अजीज मिसर इससे पहले कि तू अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम नु कसूरवार जाने और अपनी बीवी ज़लीखा नु सच्चा जाने ना ना मैं गवाही देना वा यूसुफ अलैहि सलाम अगे ने ज़लीखा इन्हां दे पिछे वे और एदा हाल ते एदा इलाज वे जरा वेखो ते सही के कुर्ता किदा फटिया है जरा वेखो ते सही कमीज किदा फटिया है अगर कमीज ज़लीखा दा फटिया है ते फिर समझो ज़लीखा सच्ची है और अगर कमीज हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम फटिया है फिर मैं भी गवाही देना वा सारा जमाना गवाही देगा ज़लीखा झूठी है अल्लाह दा नबी यूसुफ सच्चा है। ये वेखो कमीज किदा फटिया है ते यूसुफ अलैहि सलाम सन अगे ते ज़लीखा सी पिछे बंदे इन्नी देर इकट्ठे हो गए जदों वेख्या ते हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम दा कमीज पिछों पटिया सी इस वास्ते कि ज़लीखा हज़रत यूसुफ दे पिछे दौड़ी हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम दौड़े ना ते ज़लीखा पिछे दौड़ी फड़ते ना सकी कमीज नूं हाथ पिया ते उन्हें हाथ पा के खिंचन की कोशिश की यूसुफ अलैहि सलाम बच के कमीज फट गया ते सारे नूं नज़र आ गया ज़लीखा झूठी है हज़रत यूसुफ है। तो दोस्तों ने मैं हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम की बरात अल्लाह ने एक दुध पींदे बच्चे को कराई। याद रखना उलमा फरमाते हैं कि जो अल्लाह के नबिया की वारी आए ना तो रब कादिर रब चाहे तो बच्चों को भी गवाहियां लै सकता है ठीक है ना। और ये खुश नसीबी उस बच्चे की असी उसकी किस्मत नु सलाम पेश करने जो यूसुफ अलैहि सलाम बने नबी जो आप बादशाह बने मिस्र दे नबी तो है सन अर्ज की बारी ताला मेरा वजीर कौन बनेगा रब ने फरमाया कि बाहर खड़ा हो जा ते जेड़ा बंदा सब तो पहले ते नज़र आए वो तेरा वजीर हज़रत यूसुफ खड़े हो गए बादशाह बनने तो बाद जो माल दे बाहर खड़े सन सामने एक नौजवान जाना नजर आया आपने बुलाया फरमाया आ जा तेन मुबारक हो तू मेरा वजीर है। हज़रत जबरील आ गए अर्ज की यूसुफ पता जे बंदा कौन है जेड़ा तुहाड़ा वजीर बनाया है जबरील मैं नहीं जानता अर्ज की हुजूर यही बच्चा है जिन्हें माँ की गोदी के अंदर तुहाड़ी गवाही दी सी जिन्हें बचपन के अंदर तुहाड़े सच्चे होने की गवाही दी सी ना रब नूं इहदी गवाही एड्डी पसंद आई है अज अपने सच्चे नबी का वजीर बना के नाल ला छड़िया। बात खत्म है बस नतीजा देना चाहना कि अल्लाह के नबी का वजीर जिवें नबी सच्चा है तो वजीर भी सच्चा ही होएगा। तो मैं क्या साढ़े एक वजीर का ना है अबू बकर सिद्दीक और एक का ना है उमर फारूक जिमें नबी सच्चा है नबी का अबू बकर सिद्दीक भी सच्चा है उमर फारूक भी सच्चा है। अल्लाह अकबर कबीरा इस अगे की होया फिर अगले जुमे सुनांगे अल्लाह करीम थोड़ी और मेरी हाजिरी कबूल फरमाए वा आखिर दावाना।